नमस्कार सभी साथियों को। नाम मुकेश कुमार और आज सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को नए साल की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। 2022 जो गया है वो भी बहुत अच्छा बीता है सभी लोगों का, और आने वाला 2023 जो आ चुका है वो उससे भी बहुत 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 अच्छा आपकी जिंदगी में लेकर गया है। आज एक बहुत अच्छा दिन है क्योंकि कल रात में हमारी टीम में अलका सिसोदिया जी थी, वो अलका चौहान जी थी, जिनका जो है 2% रॉयल्टी अचीव उन्होंने किया है, कंप्लीट हो गया है। और आज मैं अपनी बातें ज्यादा नहीं रखूंगा क्योंकि आज का दिन जो है अलका चौहान जी का दिन है और उनकी पूरी टीम का दिन है, तो कुछ ही बातें आज मैं रखता हूँ। बाकी आज की मीटिंग पूरी अलका चौहान जी होस्ट करेंगी कि उन्होंने और उनकी टीम ने किस प्रकार से इस 6 महीने साल भर में जो संघर्ष किया और कैसे अपनी कामयाबी को उन्होंने प्राप्त किया। तो मैं सर से चाहूंगा कि सर अलका चौहान जी का माइक जो है अनम्यूट कर दिया जाए। हेलो। हेलो जी सर, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। ओके सर, थैंक यू। और सभी साथियों को जय जेएमबीडी। और आज नए साल की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और बहुत ही अच्छा दिन है आज हम सबके लिए, और साल का पहला दिन है तो बहुत बहुत बधाई। आने वाला साल बहुत ही अच्छा हो सबका, और बहुत ही अच्छा होगा भी। जो बीत गया वो भी बहुत अच्छा था, और जो आने वाला है, जो शुरू हो चुका है आज से, ये भी बहुत अच्छा होगा। तो बहुत बहुत मुबारक हो नए साल की सभी को, और बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आज की जो मीटिंग मुझे लेने के लिए बोल दिया है, तो शुक्रिया सर आपका भी। और दोस्तों, जैसे कि नाम सभी लोग जानते हैं अलका चौहान, कुछ साथी होंगे जो नए भी होंगे, और काफी दिन से मैंने अपने शुरुआत नहीं की थी, बोलने का तो मौका मिल रहा था हर हफ्ते, लेकिन आज जो शुरुआत मुझे मिली है सर के द्वारा, तो सबसे पहले अपने बारे में ही बताना चाहूंगी। नाम अलका चौहान है, पीछे डिस्ट्रिक्ट जालौन से मैं बिलोंग करती हूँ और यहाँ नोएडा रहती हूँ। काफी समय हो चुका है नोएडा रहते हुए, 14 से 15 साल हो चुके हैं। और पीछे मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, और जो अपनी पढ़ाई लिखाई थी वो भी गांव में ही हुई, लेकिन पढ़ते वक्त जो सपने थे कि कुछ करना है, और करने का जो सपना था वो था एक सिर्फ टीचर बनने का, तो कहीं ना कहीं जो इतनी पढ़ाई मेरी नहीं हो पाई जिसके कारण मैं टीचर तो नहीं बन पाई, लेकिन कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बाकी पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं हो पाई, और मैं भी अपने दो भाई भाई बहन हूँ, एक भाई है और एक बहन हूँ, मैं अकेली हूँ। मैं बड़ी हूँ, भाई मेरा छोटा है, और पापा के लिए मैं अपने कहीं ना कहीं मैं बड़ी हूँ तो अपने पापा के लिए एक बेटे के समान थी, और बराबर मैंने अपने पापा का भी हर काम में मैंने सहयोग दिया है। तो अच्छा लगता है कि बड़ी भले ही हूँ, और आज एक पापा के लिए अपनी एक बेटी नहीं बेटा बनकर मैं दिखाऊं। तो कुछ चीजें ऐसी थी जो कि शादी वगैरह भी जल्दी हो गई और अपने घर गृहस्थी में उलझ गए। उसके बाद अपना जब नोएडा आई तो एक सिलाई का काम करने थी, और सिलाई का काम करना मैंने शुरू किया। हस्बैंड अपनी जॉब करते थे, लेकिन मैं भी चाहती थी कि उनके साथ साथ मैं भी अपना कुछ सिलाई उनका हाथ बटाऊं, तो अपना सिलाई का काम ही शुरू किया हुआ था। लेकिन सिलाई के काम से भी चल रहा था सब कुछ, जैसे एक साधारण जिंदगी चलती हुई चल रही थी। बाकी
सपने जो होते हैं हर किसी के होते हैं, कहीं ना कहीं अपने भी थे, लेकिन घर गृहस्थी में जब उलझ जाते हैं तो अपने सपनों को ही खत्म कर देते हैं। और इसी दौरान जब एक डिसीजन लिया कि अब सिलाई घर पे ही करती थी, अब दुकान खोल ली जाए और उसके बाद ही जब सिलाई की जाएगी, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई जिससे कि उस काम को मुझे स्टॉप करना पड़ा, आगे नहीं कर पाई। और वो काम फिर वो परिस्थिति ऐसी आई जो मुझे बीमारी के जरिए, एक एलर्जी के जरिए, और एलर्जी मेरे लिए मुझे ही नहीं, मेरे परिवार में सभी को हो गई, बच्चों को, हस्बैंड को, सभी को थी। 8-9 महीने से परेशान थी लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। दवा जब तक खाती थी ठीक रहती थी, और जैसे ही मेडिसिन बंद कर दूं फिर वही हाल हो जाता था। लेकिन फिर मुझे इसी बीच जेएमबीडी के प्रोडक्ट की जानकारी मिली, और वो जानकारी मुझे मुकेश सर के द्वारा मिली, और मेरे जानने वाली एक मेरी फ्रेंड थी उनके द्वारा मिली। तो उस समय उन्होंने प्रोडक्ट के ही बारे में बताया, लेकिन इससे पहले मैंने कोई नेटवर्किंग नहीं की थी। जब उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी तो मैं कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन मुकेश सर को वो लेकर आई और मुकेश सर ने मुझे जानकारी दी, डेमो वगैरह जैसे दिखाया, और कुछ जानकारी भी दी ग्राहक बनने की। तो ये सारी चीजें मुझे भी समझ में आ गई उस समय, और मैंने शुरू किया बिजनेस को। और जब मैंने शुरुआत भी की तो उस समय अपने पास पैसा नहीं था, और कहते हैं जब शुरुआत करते हैं तो कुछ ना कुछ, जब एक कहते हैं कि एक क्या कहते हैं कि एक मौका तो मिला, लेकिन उस मौके के साथ एक परिस्थिति भी आ गई ऐसी कि अपने पास पैसा नहीं है। चाहती थी कि बहुत अच्छा लगा सब कुछ जानकर, सब कुछ सुनकर, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी उस समय कि अपने पास पैसा नहीं था। लेकिन किसी भी कारण मैंने कुछ भी व्यवस्था करके अपने पैसे को इकट्ठा किया, और मैंने उस समय ज्वाइनिंग ली अपनी। और ज्वाइनिंग लेने का एक ही मकसद था कि अपनी एलर्जी को ठीक करना। मैंने प्रोडक्ट यूज किए, बहुत अच्छे लगे मुझे यहाँ पर, और आज 1.5 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया, और आज 4 साल हो गए हैं, जो कि हर समस्या का समाधान भी मिला, और आज डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। बड़ी बात है मेरे लिए ये, जो कि हर 4th महीने मुझे जाना पड़ता था। तो सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि मुझे प्रोडक्ट समझ में आए शुरुआती दौर में, और मैंने वहीं से शुरू किया। बाकी खाने बताने का काम बताया था कि खाना है और बताना है, तो वही मैंने भी किया, लेकिन परमिशन नहीं थी कहीं बाहर जाने की, कुछ करने की। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी कि जब खुद को समझ आ जाती है तो कुछ चीजें हैं जो अपने करना पड़ जाता है, जबरदस्ती ही करो लेकिन करना पड़ता है, और मैंने वही किया। तो जब रिजल्ट आ गए, प्रोडक्ट अच्छे लगने लग गए, और घर से बीमारियां जो थी वो दूर होने लग गई, और आज सब कुछ अच्छा चल रहा है। ऐसे चलते चलते काफी अच्छी 4 महीने तो मुझे कोई इनकम नहीं आई थी, लेकिन अगले जो चौथे महीने 5वें महीने जो इनकम आई, 4,100+ रुपए का मेरा चेक आया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भैया खाने और बताने से अगर पैसा आता है तो फिर इसे किया भी जा सकता है। फिर मैंने इसकी जानकारी ली कि आखिर है क्या, और जब जानकारी ली तो बहुत कुछ इसमें मुझे अच्छा लगा। और डिप्लोमा वगैरह जो मीटिंग हुआ करती थी डिप्लोमा, वो मैंने ओम सर की अटेंड की, तो मुझे वहां पर देखकर काफी लेडीजों का जिस तरह से आज वो लेवल मैंने अचीव किया है, तो इस लेवल को मैंने उस समय देखा हुआ था किसी और का, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा था। और एक दिल में एक सपना लेकर आई थी कि मुझे भी इस सिस्टम को अब करना है, और इसी दौरान करती रही, चलती रही, और काफी लोग मिले फील्ड में, काफी लोगों ने मना किया, काफी लोगों ने हाँ किया, टीम टूटती रही, बनती रही, लेकिन कभी मैं अपने आप से हार नहीं मानी। कभी निगेटिव हो भी जाती थी तो अपना ओम सर मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते थे, और बहुत बहुत शुक्रिया मैं ओम सर का करती हूँ कि आज मैंने जो भी सीखा है, और जो भी चलना या बोलना जो भी सीख पाई हूँ, या फिर इस सिस्टम में टिके रहना जो मैंने भी सीखा है, ओम सर के माध्यम से ही आज जो भी हूँ मैं, उनके माध्यम से ही हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं सर का करती हूँ। शारीरिक रूप से मैं कितनी मजबूत थी पता नहीं, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत करना
पूरा ओम सर्कस रह जाता है, और वही चीजें मेरी लाइफ में हुई। और कहते हैं कि जब इंसान मानसिक रूप से मजबूत होता है तो वो उसको किसी भी परिस्थिति से भले ही सामना करना पड़ जाए लेकिन वो हार नहीं मानता फिर, और यही मेरी लाइफ में भी हुआ। तो बहुत सारी परिस्थिति भी आई, लेकिन एक ही था कि मुझे यहाँ करना है, कुछ तो करना ही है, और आगे बढ़ती रही। और बहुत ही अच्छा सहयोग हमारे सभी गुरुओं का, सभी अपलाइनों का भी है, तो मैं एक बार सभी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करूंगी। और सबसे पहले धन्यवाद मैं दद्दा जी का करना चाहूंगी कि इतना अच्छा सिस्टम हम लोगों को दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद दद्दा जी आपको, कि हर एक नारी को, हर एक हाउसवाइफ को एक ऐसा मौका जो इस सिस्टम के माध्यम से मिल रहा है, जो हर एक लेडीज अपने सपनों को पूरा कर सकती है। और वो एक नारी सिर्फ बेचारी बनकर नहीं रह सकती है, और हर एक नारी यहाँ पर व्यापारी बन सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और ओम सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो हर मोड़ पर साथ देते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगी अपने ग्रेट अपलाइन मुकेश सर का, हर कदम पे कदम मिलाकर चलते भी हैं और हमेशा साथ रहता है सर का, हर एक बारीकियों से जानकारी देते हैं। और मैंने कभी इग्नोर नहीं किया कि आज मुझे ये सीखना नहीं है, जो भी सिखाने का प्रयास किया सर ने मैंने सीखा है, और अभी भी प्रयास है कि सीखती रहूंगी आगे और सिखाती भी रहूंगी। तो कभी मैंने दोस्तों एक कामयाब अगर होना है तो सिर्फ कभी अपने उन चीजों को लेकर नहीं चलना जहां हम कहते हैं कि नहीं अब मुझे अच्छा नहीं लगता ये और मैं नहीं कर पाऊंगी। मुझे भी बहुत सारी चीजें थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी लेकिन मैंने किया, क्योंकि आज मार्केट में अगर हम जाते हैं और 4-6-10 लोगों के सामने अगर अपना प्लान रखते हैं, अपनी बातें रखते हैं और लोग हमें मना कर देते हैं तो हम बड़ी जल्दी निगेटिव हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी हुआ, लेकिन कहते हैं कि आपका अपलाइन अगर मोटिवेट कर रहा है तो अपलाइन जितनी देर आप बात करोगे उनसे तब तक ही मोटिवेट रहोगे, लेकिन अपने आप को जो मोटिवेट करना है वो अपने खुद से ही आपको मोटिवेट होना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें थी, और वीडियो वगैरह हमेशा मैं देखती थी, नेगेटिव हो जाती थी लेकिन वीडियो देखती थी और उन लोगों को सुनती थी जो कामयाब है सिस्टम में आकर। मैंने कभी उन लोगों को नहीं देखा, उन लोगों को नहीं सुना है, ना सुनती हूँ ना ही शायद सुनूंगी। मैं हमेशा उन लोगों को सुनूंगी जो कामयाब है आज, क्योंकि हम सब इस सिस्टम में आए तो किस लिए आए, कामयाब होने के लिए आए हैं। तो यही मेरा भी लक्ष्य रहेगा कि हम उन लोगों को सुने जो हम यहाँ बनने के लिए आए हैं। वही सुनती रही और चलती रही और सीखती रही, कभी मैंने मीटिंग मिस नहीं की। कोई भी मीटिंग हो, कोई भी डिप्लोमा हो, कोई भी सेमिनार हो, बराबर मैंने हर मीटिंग, हर डिप्लोमा, हर सेमिनार को मैंने अटेंड किया। और अगर सर मुझे 8 बजे भी बुलाते थे तो मैं 8 बजे भी नोएडा से बदरपुर जाकर मीटिंग लिया करती थी, भले ही मुझे अगर आने में देरी हो जाए तो मैं वहां रुक कर अगले दिन आया करती थी। तो कुछ चीजें हैं कि हमें छोड़नी पड़ेंगी, कि हमें अच्छा नहीं लगता है लेकिन फिर भी हमें वो चीजें करनी पड़ेंगी, और मैंने की। और कहते हैं कि इस सिस्टम में दोस्तों कि अगर आपको कामयाब होना है तो अपने अपलाइनों पर विश्वास करना बहुत जरूरी है, और या तो अपलाइन पर विश्वास इस तरह से कर लो या फिर अपने आप को सारा कुछ सीखकर अपने आप को बना लो। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, शुरुआती दौर में मुझे कुछ भी पता नहीं था इस सिस्टम के बारे में, लेकिन पूरा भरोसा था मुझे अपने अपलाइन पर, सारा कुछ छोड़ दिया था, जैसा बताते थे वैसा करती थी, लेकिन विश्वास था। लेकिन विश्वास के साथ साथ सीखना भी पड़ता है, तो सीखना भी बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज है कि फील्ड में जाकर जो बहुत ज्यादा मुझे सर में भी आती थी, लोगों को कैसे प्रोडक्ट बताऊंगी, कैसे लोगों को जानकारी दूंगी, और शुरुआती दौर में तो कूद पड़ी क्योंकि पता नहीं था कि ये नेटवर्किंग सबने कर रखी है,
तो जब शुरुआती दौर में कूद पड़ी फील्ड में तो काफी लोगों से मिली और काफी लोगों ने मना किया कि नहीं ये तो मैंने करके छोड़ दिया है। तो फिर आगे चल के फिर शर्मिंदगी महसूस होने लगी कि भैया सबने करके छोड़ दिया, कुछ नहीं होने वाला है। तो शर्म भी आती थी बताने में कि कैसे लोगों को बताएंगे क्या करेंगे। और शर्म दोस्तों कब आती है, जब हम अगर किसी को कुछ सोच कर जाते हैं कि हम इससे कुछ लेने के लिए जा रहे हैं, तभी हमारे मन में एक शंका होगी, एक शर्म आएगी। लेकिन अगर ये सोच कर जाते हैं कि यहाँ हम कुछ लेने के लिए नहीं, उससे कुछ देने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, अगर हम किसी को प्रोडक्ट भी देने जा रहे हैं तो एक अच्छे प्रोडक्ट हम देने जा रहे हैं लोगों को, क्योंकि उसके घर में वो बीमारियां हैं, उन बीमारियों को हम खत्म करने के लिए जा रहे हैं। और अगर वो बेरोजगार है तो उसको एक रोजगार देने के लिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें मेरे मन में जब अपने अपनी सोच बदली कि हम कुछ लेने के लिए नहीं, लोगों को कुछ देने के लिए जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये शर्म फिर जाके बंद हुई कि अब शर्म नहीं करना यहाँ पर। और शर्म में जब लेने के लिए जाते हैं तब शर्म आती है। और फिर दूसरी चीज सोचा कि अगर हम किसी को नहीं बताते हैं और कल को हमारे बच्चे हमसे कुछ मांगते हैं और हम उनको वो सारी चीजें नहीं दे पा रहे हैं, तो तब भी तो शर्म आती है। तो या तो शर्म हम जब कर लें या शर्म फिर हम फील्ड में जाकर कर लें। तो शर्म नहीं करनी, शर्म किस चीज की करनी। आज हर इंसान बेचने वाला ही इंसान करोड़पति है, और हम लोग कहते हैं तेल साबुन बेचने का ये काम है, कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें भी छोड़नी पड़ेंगे। और इस सिस्टम में आकर दोस्तों एक सब्र भी बहुत बड़ा है कि सब्र भी रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके अंदर सब्र नहीं है तो ज्यादा लंबे समय तक आप टिक भी नहीं सकते। तो सब्र रखना बहुत जरूरी है। और बहाने, कई चीजें हैं जो कि हम लोग बहाने भी बनाते हैं, हमने भी बनाए हैं, लेकिन ये मानव नेचर है सबका। और जब समझ आ जाती है तो बहाने बनाना भी इंसान छोड़ देता है। और मैंने अपने आप में सुधार किया इन सारी चीजों में। तो बहुत सारी चीजें थी कि हमने भी कई जगह बहाने बनाए कि आज मेरे घर में ऐसा काम आ गया है, मुझे ऐसी समस्या हो गई है, लेकिन मैं बीमारी को लेकर कभी बहाने नहीं बना पाई, क्योंकि मैं बीमार कभी होती ही नहीं हूँ। तो कभी आज मुकेश सर भी हैं, कभी मुकेश सर से भी ये अगर कभी किसी दिन फील्ड में नहीं गई, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि आज मैं बीमार हूँ इसलिए फील्ड में नहीं गई, भले ही मुझे कुछ किसी और का बहाना बनाना पड़ा। तो बहाने मैंने भी बनाए हैं, लेकिन उन चीजों पे सुधार किया है। और आज चलते हुए आज काफी अच्छे लोग भी मिले और फिर से काम एक अच्छा डेवलप शुरू हुआ है। और बस यही मैंने सीखा है अपने अपलाइनों से कि चलते रहो, कामयाबी जरूर मिलेगी। और आज वो बातें उनकी सुनकर सोचकर मुझे याद आती हैं। और कभी अपने आप में विश्वास नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊंगी, लेकिन हमेशा अपलाइन कहते थे और ओम सर हमेशा कहते थे कि आप बहुत कुछ कर सकती हो। तो पता नहीं, एक लगता था कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, लेकिन पता नहीं सर को कहाँ से लगता है कि मैं कुछ कर पाऊंगी। और फिर भी करती रही कि अगर हमारे सर कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं, तो हमें कर लेना चाहिए। और करती रही और आज इस मुकाम को भी हासिल किया जिसको लेकर मैंने शुरू किया था। और आगे बहुत ही जल्दी एक नए पिन के साथ, और आज शायद हम सब एक एनिवर्सरी में होते, और लेकिन कोई बात नहीं। और आगे जो एनिवर्सरी हम लोगों की अप्रैल में हुई है, तो फिर से एक पूरा प्रयास रहेगा कि उसमें एक नई अचीवमेंट के साथ फिर से जाऊं। और ये हम सबको एक मौका फिर से मिला है कि अपने अचीवमेंट को बदलने का, तो मेरा भी प्रयास पूरा रहेगा। और बहुत अच्छा लगा है जब सभी ने आज मुझे बहुत बधाई भी दी है, बहुत ही अच्छा लगा है। और आप सभी को दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद मैं आजाद सर का करती हूँ। और आजाद सर ने तो एडवांस में ही बधाई दे दी थी, लेकिन आज भी दो तीन बार सर को फोन भी आया और बहुत अच्छा लगा। और निर्मल मैम से भी बात हुई तो बहुत ही अच्छा लगा कि आज हो सकता है कि हम उस सिलाई को करते रहते, हमें कौन जान रहा था, हम भले ही कितना अच्छा काम कर दें, किसी के भले ही अच्छे ब्लाउज सिल कर दे दें, सूट सिल कर दे दें, कोई बधाई नहीं देता था। लेकिन आज थोड़ा सा काम यहाँ पर अच्छा किया है और इतने सारे लोगों की दुआएं
और बधाइयां जो मिल रही, बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए। और सबसे बड़ी खुशी की बात अब मेरे लिए जब होगी कि जब मैं अपने टीम में रॉयल अचीवर पैदा कर दूंगी, तब ज्यादा खुशी होगी। क्योंकि अपनी खुशी तो खुशी नहीं होती है, जब लोगों को खुशी दो उसमें बहुत ही खुशी मिलती है। तो मेरा आप सपना है कि अपनी टीम के जितनी भी मेरी बहनें हैं सभी को मैं रॉयल अचीवर बनाऊं, और उनका पूरा सहयोग उनके साथ रहेगा मेरा भी। और आज सभी से जूम मीटिंग के माध्यम से सीखने को जो मिल रहा है मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हर जगह की टीम के माध्यम से जो सीख रही हूँ, कहीं ना कहीं हर किसी से सीखने का मौका मिलता है। और हर किसी की ट्रेनिंग भी बहुत जबरदस्त होती है। और कहीं ना कहीं जूम मीटिंग में जब शुरुआती दौर में सभी लोग बोलते थे तो कहीं ना कहीं उस तरह से मीटिंग नहीं हो पाती थी, लेकिन आज सुनते सुनते बोलते बोलते सभी लोगों के एक अच्छी मीटिंग और एक अच्छी ट्रेनिंग भी सबकी हो रही है। चाहे वो सीके सर हो, चाहे अमित सर हो, और चाहे स्नेहा मैम हो। रानी मैम की मीटिंग उस दिन की बहुत ही लाजवाब थी। और रमेश सर का साथ हमेशा रहता है हमारे लिए और सहयोग भी हमेशा देते हैं, और कोई सी भी गलती है हर चीज को बताते भी हैं। पंकज सर की मीटिंग बहुत ही अच्छी रहती है। और दद्दा जी ने जो मीटिंग अभी उद्घाटन मीटिंग के तौर पे जो बताया उसके ऊपर भी काम किया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है, लोगों की काफी अच्छी लिस्ट भी निकल कर आ रही है उसमें। तो ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी लग रही है। ये सीखने का ही बिजनेस है दोस्तों, और अपने आप को बराबर सिखाने पे लगा रखना। क्योंकि अगर अपने आप को सिखा लिया तो आपको कोई हरा नहीं सकता। और हम निराशा हमें कब आती है, जब निराशा जब आती है हमें, जब हमें कुछ चीजें आती नहीं है, तो पूरी सिस्टम की पहले जानकारी ले सकते हैं। और पूरा प्लान, डेमो, ये सारी चीजें अपने आप में कंप्लीट होनी चाहिए। और जब सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो बाकी फील्ड में फिर आपको कोई मना ही नहीं कर सकता, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी आना शुरू होगा। और मैं सभी को आज फिर से एक बार धन्यवाद बोलना चाहूंगी। और आज मैं ही अकेली नहीं बोलूंगी, हमारी टीम में बहुत सारी बहनें हैं जिनको बोलना भी है। आज उनको मौका भी मिल रहा है बोलने का, तो कुछ लोगों को मैं मौका भी देना चाहूंगी। और उसके बाद में बीच बीच में अपनी बातों को भी रखती रहूंगी। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले मौका देना चाहूंगी केला मैम को मौका देना चाहूंगी, जिन्होंने आज अपना पहला लेवल अचीव किया है। और बहुत ही अच्छा लगा है। और बहुत ही एक जुझारू बहन है जो हमारे साथ बराबर कदम से कदम मिलाकर काम कर रही है, और बहुत ही जबरदस्त है, शानदार उनका काम सभी लोग देख रहे हैं। और 10,000 का स्लैब उनका लगा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और आगे की बातें केला मैम अपनी रखना रखेंगी। तो सर, केला मैम का माइक अनम्यूट कर दीजिए आप एक बार। तो दीपा जी का माइक अनम्यूट कर दीजिए सर, जब तक। हेलो, जी मैम, आवाज आ रही आवाज आ रही? जी, सभी साथियों को जय जय एमबीडी और जय जय मोदी। वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी जो भी जूम मीटिंग में मेरे को सुन रहे हैं, सभी लोगों को। आज 2023 का पहला दिन और सौभाग्य मिला हमें मीटिंग बोलने का, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा नाम दीपा पवैया है, ग्वालियर में रहती हूँ और इस बिजनेस को करते हुए मुझे 4 महीने हो गए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सिस्टम में आकर मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली महसूस करती हूँ कि मैंने मुझे इतना अच्छा सिस्टम मिला। और इस सिस्टम में आकर मुझे एक नाम पहचान इतनी अच्छी मिल रही है कि जो शायद मैं कहीं किसी नौकरी में जो बिजनेस में कर कभी नहीं मिल पाता। और मेरा अब तक का जो भी अनुभव है वो बहुत ही अच्छा है, एक सम्मानजनक है। आज हम जब भी कहीं भी फील्ड में जाते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है
जब हम अपने प्रोडक्ट के बारे में किसी को बताते हैं और प्रोडक्ट के बारे में बताना और फिर उसका सामने से किसी का रिएक्ट हम लोगों के प्रति, वो हमें देखेंगे और फिर हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेंगे, फिर वो हमसे कुछ सवाल पूछते हैं, उन सवालों के जब हम जवाब देते हैं और वो जवाब उनको अपने सारी तर्कों पर कसौटियों पर अच्छे से कसते हैं और बहुत कभी कभी तो तर्क भी होता है, लेकिन उनके भी हम जवाब जब अच्छे से देते हैं भरोसे के साथ और फिर वो हमारा विश्वास करते हैं तो फिर हमें बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही करते करते धीरे धीरे अनुभव मेरा बढ़ता जा रहा है और सबसे अच्छी खुशी की बात मुझे ये लग रही है कि मतलब हम जैसे जो अलका जी ने भी बताया कि इस सिस्टम में आने के बाद और शुरुआती एक महीने के अंदर मुझे ऐसा लगता था कि हम किसी से कुछ लेने जा रहे हैं, लेकिन नहीं, अब ऐसा लगने लगा है कि हम किसी से कुछ लेने नहीं देने जा रहे हैं। तो एक भरोसा है, एक अपने अंदर से एक कॉन्फिडेंस बनता है कि हम बहुत अच्छी चीज किसी को देने जा रहे हैं। तो बस यही अनुभव मेरा बढ़ता जा रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सम्मान मिल रहा है। और अभी फिलहाल का ही अनुभव है, मैं अपने गांव जब गई तो मुझे ऐसा लगता था कि देहात का जो इंसान है वो इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करेगा, लेकिन नहीं, बहुत ही अच्छा, वहाँ बहुत ही सम्मानजनक माहौल मिला, सभी लोग एक सम्मान की नज़र से देख रहे थे, अलका जी का साथ मिला, अलका जी मेरे साथ गई हुई थी तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे अच्छा यहाँ पे मुझे सिस्टम में एक अच्छी बात लग रही है, दद्दा जी ने इतना अच्छा सिस्टम दिया है, इतने अच्छे प्रोडक्ट जो दिए हैं कि प्रोडक्ट के बारे में जब हम जानकारियां दे रहे हैं और जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और सामने से रिएक्ट आ रहा है उनका, जो सामने से आना कि आपके इस प्रोडक्ट से हमें इस ये लाभ हो रहा है, अंदर से इतनी खुशी होती है कि हम किसी के लिए कुछ कर पा रहे हैं। और जब हम किसी को सामने से खुश करते हैं तो हम अपने आप में खुद ही खुशी महसूस करने लगते हैं। और आज मैं अलका जी के लिए भी बहुत खुश हूँ कि आज उन्होंने एक रॉयल्टी अचीव कर ली है और अलका जी का विश्वास जो मेरे ऊपर हुआ करता है और अभी भी वो हमेशा मुझे मोटिवेट करती रहती हैं। जब भी मैं नेगेटिव होती हूँ तो मैं सबसे पहले मेरी अपलाइन है तो मैं उनको ही कॉल करती हूँ और मेरी अपलाइन सरोज बुआ जी को भी कॉल करती हूँ, तो दोनों लोग मुझे अच्छा सपोर्ट करते हैं। अलका जी का सपोर्ट मेरे पास हमेशा रहता है, वो जब भी ग्वालियर आती हैं हमेशा 2 दिन की या 3 दिन का कह के आएंगी और मैं 8 से 10 दिन उनके यहाँ पे निकाल देती हूँ और फिर भी वो उनके चेहरे पे कोई भी शिकस्त नहीं, कुछ भी नहीं, वो मुझसे कहेंगी दीपा जी अब मैं जाऊँगी, हाँ अलका जी कल चले जाना, कल कल करते करते मैं उनको 8 से 10 दिन यहाँ पे रख ही लेती हूँ और फिर भी वो मुझसे कोई भी किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं करती हैं। अलका जी की जगह अगर शायद मैं होती तो शायद मैं इतना समय नहीं दे पाती, लेकिन वो एक अच्छे अपलायन की तरह, एक अच्छे लीडर की तरह हर समय मेरा सपोर्ट करती है। यहाँ से जाने के बाद भी वो फोन पे मेरा सपोर्ट करती ही रहती है। जी प्रकार ओम सर का एक विश्वास, ओम सर से जब भी बात होती है तो उनका एक विश्वास हम मेरे और मेरे हस्बैंड के ऊपर रहता है कि आप लोगों को JMBD का सफल कपल बनाकर ही रहना है, सफल कपल आपको बनना है। बहुत अच्छा लगता है जब सर का इतना विश्वास हमारे ऊपर आता है। तो मुकेश सर की तो एक ग्रेट अपलाइन है, वो तो उनका तो इतना सहयोग रहता है कि हर एक चीज, हर एक बारीकियां बताना, समझाना और हर तरीके का सपोर्ट करना, कोई भी प्रॉब्लम है, कभी भी है, हम कहीं भी फील्ड में है, कोई भी पेशेंट है, तुरंत सर को कॉल कर लेना, सर तुरंत वहाँ पे सॉल्यूशन हमें देते हैं। उमेश सर का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है, आधा सर से भी बातचीत होती रहती है, सर भी बहुत अच्छी बातें बताते हैं, जो भी हमें फील्ड में प्रॉब्लम आती हैं उसके लिए भी सर हमें बहुत अच्छी जानकारियाँ भी देते हैं,
पूनम जी की भी मीटिंग मुझे काफी अच्छी लगती, एक ही बार सुनी है, पहले तो मैं जानती ही नहीं थी, लेकिन जब एक बार उनकी मीटिंग सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। रानी मैम की भी मीटिंग बहुत अच्छी आती है। पीके सर की भी मीटिंग बहुत अच्छी चीजें सिखाती हैं। अमित सर की मीटिंग भी, और कल जो रुद्र सिंह मिश्रा जी की मीटिंग जो थी वो बहुत ही मुझे, मतलब सर की जो मीटिंग चल रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था ये सारी घटनाएं शायद मेरे साथ हो रही हैं और आगे होती जा रही है, मेरे परिवार में सारी घटनाएं घटी हैं। तो पीरियड मीटिंग के बाद मैंने सर से पर्सनली बात भी करी, काफी अच्छा लगा सर से बात करके। और भी लोगों को समय देना है अलका जी को, मैं अपनी वाणी को विराम करूंगी। दद्दा जी को, ओम सर को, मुकेश सर, रमेश सर, राजा सर, अलका जी, सरोज जी, रुद्र शिव जी और जो कोई भी छूट रहा है सभी को लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया दीपा जी, और बहुत ही अच्छा आपने बोला और बहुत ही कम समय में आपकी मेहनत भी बहुत अच्छी हो रही है, जो शायद आपने इतने कम समय में सारी चीजों को आपने सीखा बहुत अच्छा है, और मुझे सीखते वक्त काफी समय लग गया है, वो चीजें आपके अंदर नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आप पूरा समय निकाल रहे हो और सीख रहे हो, तो ये नतीजा सीखने का बहुत ही अच्छा नतीजा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आगे एक अपने नए अचीवमेंट की तैयारी भी करनी है तो उसके लिए भी आगे प्रयास इस साल से शुरू किया जाए, और आगे इसी क्रम में मैं मौका देना चाहूंगी, केला देवी जी शायद आ चुकी हैं, तो केला मैम का एक बार मैं माइक अनम्यूट कर दीजिए सर जी। मैम बोले बोलिए केला मैम, आपका माइक अनम्यूट हो गया है। हेलो जी, नमस्ते मैम, आ रही आवाज आ रही। नमस्ते मैम, जय जय एमबीडी सभी साथियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ, हैप्पी न्यू ईयर बोलती हूँ, नया साल मुबारक हो आप सभी को। और मैं अब क्या बताएं अपने बारे में, मेरा कुछ ज्यादा तैयारी तो मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन अभी मैं तरपाई कर रही थी, मीटिंग में से आई थी, मीटिंग में आने के बाद खाना बनाया, खाना किचन की साफ करा, फिर मैं तिरपाई कर रही हूँ, सूटों की मैं लगी पड़ी हूँ, मतलब आपकी मेहनत करती हूँ, घर की मेहनत करती हूँ। और मैं अपना नाम बताना चाहती हूँ, मेरा नाम केला देवी है और मैं गांव डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से हूँ, रहती नोएडा में हूँ। और मैं इस बिजनेस के बारे में कुछ जानती नहीं थी कि बिजनेस नेटवर्किंग होती क्या है, ना तो मैं इतना व्हाट्सएप जानती थी ज्यादा, और ना मैं नेटवर्किंग जानती थी, मतलब इसमें जब नेटवर्क में कैसे आई थी, मैं एक बीमारी के जरिए आई थी, मुझे पल्स की समस्या बहुत ज्यादा हो गई थी, बहुत ज्यादा दिन हो गए थे, 2 साल से, तब 4 महीने से तो मैं इतना परेशान थी कि ब्लड वाला बवासीर था, 4 मास से भी थे, देखो क्या हालत बिगड़ गई थी। तो उसके बाद मैम तो 4 साल से जुड़ी है, लेकिन समय वक्त वक्त की बात होती है, मैम तो मुझे अभी काफी 4 महीने पहले मिली थी, तो अलका सिसोदिया ने अप्लाई ने मेरी, उन्होंने मुझे बताया था, उन्होंने मेरी बात अलका चौहान मैम से बात करवाई थी, फिर आ करके मैंने उनका कुछ सुना भी कुछ नहीं सुना, लेकिन मैम ने मुझे बहुत फोकस किया, 1 महीने तक फोन पे बात भी करती रही, तो मेरे कुछ दिमाग में आई मन की इतना कौन पीछे पड़ जाता है, लेकिन कोई नहीं, कुछ तो खास होगा, अपनापन भी होगा जब इतना याद कर रही हैं। फिर भी मैं सुनती नहीं थी, बैठती भी नहीं थी, सॉरी उसके लिए। फिर मैं मीटिंग भी ज्वाइन करी, फिर मैंने दिल्ली भी गई थी मुकेश सर के पास, वहाँ मैंने सरफाबाद में मुलाकात हुई थी, तो वहाँ
वहां से एक दिन पहले मीटिंग सरफाबाद के बाद दिल्ली ली थी, वहां गई मीटिंग सुनने के बाद हम दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों ही गए थे, वहां हमने 5,000 की ज्वाइनिंग करी थी, दोनों ने सॉल्यूशन कर गए। तो ज्वाइनिंग करवाने में दुख नहीं था, क्यों नहीं था कि हमें परेशानी बहुत ज्यादा थी, तो मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान थे, बच्चे भी थे, रिश्तेदार भी बहुत ज्यादा बीमार रहती हैं, मैं बहुत परेशान हूँ क्या करें, हर जगह दिखाते भी थे, इनकम हॉस्पिटल में चक्कर लगा दी थी, हर हफ्ते में एक बार जाना ही रहता था मुझे, 2-3 बार तो अलग था लेकिन हफ्ते में एक बार जाना ही जरूरी था। तो इसके बारे में फिर मैं आई तो मैंने जो जानती नहीं थी कि नेटवर्क है क्या, मैंने इस चीज में करवाया था कि प्रोडक्ट मुझे 60 रुपए की साबुन पड़ रही है 62 की, वो मुझे 30 रुपए मिल रही है, तो नहाना भी है, कोलगेट भी करना है, घर में खाना भी है, तो खाओ वहां से जो पैसा खाने के वापस आ रहा है, जो साबुन घिसके पानी डाल के बाहर है उसका भी पैसा हमें वापस मिल रहा है, अच्छी बात है। तो हम ये सोच करके हमने इसमें ज्वाइनिंग करवाई, फिर ज्वाइनिंग करने के बाद मैंने 1 महीने के बाद इसे थोड़ा थोड़ा सा समझा, और समझने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने डेमो किट बना लिया। डेमो किट बनाने में निकलते निकलते आज मेरे पास इतने बड़े बड़े मरीज हैं और ठीक भी कर रही हूँ। मैंने अपने द्वारा उत्तराखंड भी दवाई पहुंचा दी, भरतपुर की दवाई पहुंच रही है, अलीगढ़ में भी पहुंच गई, और मेरे खिलाफ में भी फैल रही है, और यहाँ मेरी पूरी गली में फैल रही है जहां मैं रहती हूँ। मुझे और अच्छा लग रहा है कि नेटवर्क जानकारी की भी होगी और प्रोडक्ट भी अच्छे मिल रहे हैं, बीमारी भी खत्म होगी, और दूसरी बात इसमें कमाना तो बाद की बात है, सबसे पहला आशीर्वाद बहुत जरूरी है, मान सम्मान, मान सम्मान मुझे यहाँ मिला, मुझे कभी मिल रहा है, एक माला जो मिलती है तो एक शादी होती है तभी मिलती है, लेकिन यहाँ एक काम करने के द्वारा जितना आप काम करोगे उतना ही जल्दी फूलमाला मिल जाती है। 4 महीने के अंदर मैं 2 बार फूलमाला पहन चुकी, और मुकेश सर इतने खुश होते हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ मुकेश सर का कि इतना सपोर्ट करते हैं कि शायद ये पंछी बन के कितने उड़ जाएं, लेकिन हम ना भी जाते हैं जब भी फोन करते हैं, और हम बैठ भी जाएंगे तो अलका मैम भी फोन करती हैं कि क्या हुआ कैसे हुआ, तो हमें और अच्छा लगता है कि हम गुम भी हो जाते हैं तब भी हमें पा लेते हैं फोन करके, तो इसमें प्रेम भाव बहुत ज्यादा रिलेशन हो जाता अच्छा, और इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो मैं नहीं जानती थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे इतना पता था कि पेशेंट ठीक कर रही हूँ, मैं ठीक हो गई, और जिस बीमारियों से मैं जिगड़ी थी डॉक्टरों के पास जाती थी, आज मैं 4 महीने से डॉक्टर के पास नहीं गई, मैं गई ना मेरे बच्चे गए, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात मान सम्मान भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो धन्यवाद करती हूँ अलका मैम का सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा सपोर्ट देती हैं, और मुकेश सर की तो कहना ही है कि कितना हम परेशान करते हैं सर, किसी का फोन आ रहा है बात कर लो ये कर लो, कुछ कोई भी बात करनी होती है तो हमें झिझक नहीं होती है, इस पर गुस्सा कभी नहीं होते हैं, और कुछ कहना होता है तो कह भी देते हैं, समझा भी देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है इसमें। और दीपा मैम ने भी एक बार कॉल की थी, बात की थी हमसे, तो हम नहीं जानते थे लेकिन वो भी नहीं जानती थी, एक ग्रुप द्वारा जानकारी हुई थी, तो गरी मैम आप तो बहुत सही चल रही है, बहुत अच्छा काम कर रही हो, कुछ कर लोगी, इनकी चलो देखते हैं, इनकी जब सुनते हैं सबकी, अपने मुंह से मैं तारीफ नहीं करती लेकिन मैं अभी नहीं जानती कि कहाँ जा रही हूँ, कितना ऊपर पहुंच गई या नहीं, लेकिन ये सब बताते तो अच्छा लगता है कि चलो ये इतना कह रहे हैं तो कुछ भी तो कर ही लेंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन टाइम बचा कर मेहनत आपकी भी करते हैं, अपने घर की भी करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है, जाते हैं तो कहीं और जब इज्जत अनुसार बहुत बातें होती हैं, तो मैं इतना ही कहना चाह रही हूँ, धन्यवाद सभी साथियों को, जय जय दीदी। धन्यवाद मैम आपका भी, और बहुत अच्छा आपका प्रयास है, और बहुत अच्छा आप काम भी कर रहे हो, और बस इसे सीखते रहना, और सीखने के साथ अगर फील्ड में निकलते हैं तो हमें निराशा फिर नहीं मिलती है, और अगर हम बिना सीखे फील्ड में जाते हैं तो भले ही कुछ समय हम कुछ काम कर सकते हैं लेकिन आगे फिर निराशा आने की संभावना हो जाती है, तो हमेशा एक मजबूती के साथ अपना निकलना है फील्ड में, और बहुत ही लाजवाब मेहनत है आपकी, और बहुत अच्छा लग रहा है
और आज आपने जो पहला लेवल अचीव किया उसके लिए भी आपको भी बहुत बहुत बधाई, और आगे ऐसे ही लेवल आप अचीव करते रहें और बहुत अच्छा लगेगा। और जैसे खुशी मिलती है दोस्तों, जैसे कि आज केला मैम के चेहरे पर जो मैं खुशी देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हमेशा कभी नहीं कहती है कि मुझे निराशा मिली है, कभी नहीं कहती है। एक वो होता है कि हम जो दो चार लोगों से मिलते हैं लोग, और फिर कहते हैं कि नहीं अरे कोई नहीं सुनता, ये है वो है, लेकिन मैंने मैम के मुंह से कभी नहीं सुना है कि उसने सुना नहीं है। हमेशा खुश रहती हैं, हमेशा खिली हुई रहती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि जब इनके चेहरे पे मुस्कान होती है। और ऐसे ही हमें जबरदस्ती से बिजनेस को नहीं करना, अपनी मस्ती के साथ इस बिजनेस को करना है, और एक दिन सब कुछ बहुत अच्छा होगा और बहुत बड़ा होगा। तो शुक्रिया मैम आपका। और इसी क्रम में आज हमारी दूसरी बहन है जो कि ग्वालियर से ही है, नीलम पवैया जी, आज वो भी, उनकी भी शुरुआत हुई थी 2 महीने पहले, और आज वो भी फील्ड में निकलना शुरू हो गई हैं। और वो भी अपना दिल से जो भी आता है वो दिल से फील्ड में निकल चुकी हैं, दिल से लोगों को बताती भी हैं। और मैं चाहूंगी कि एक बार नीलम मैम को भी मौका दिया जाए और अपने अनुभव को वो भी शेयर करें कि आज उनको कैसा लग रहा है, आज वो ग्रुप में भी सभी को देख रही है उनको कैसा लग रहा है, और जो फील्ड में वर्क कर रही है उनको कैसा लग रहा है, और किस तरह से इस सिस्टम में आई थी वो भी अपनी बातों को रखें मैम। तो अगली आवाज नीलम मैम की, नीलम पवैया जी। हेलो जी मैम, राधे राधे। हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। मैं नीलम पवैया गोहद चौराहे से, मुझे पाइल्स की समस्या थी, अभी 2 महीने हुए मुझे ये प्रोडक्ट यूज किए, बहुत अच्छे हैं, अभी मुझे आराम भी बहुत है। और जब मैं पहली बार दीपा जी से मिली तो उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, और अलका जी भी मिली थी साथ में दोनों, उनके द्वारा ही प्रोडक्ट वगैरह मैंने यूज किए हैं, तो बहुत ही आराम मिला है इनसे। फिर उन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में समझाया, तो मैंने भी सोचा कि कोशिश करके देखते हैं कितना कुछ कर पाएंगे। तो अभी मैं मुरैना गई थी तो वहां मैंने प्रोडक्ट वगैरह सबको बताए, तो अच्छा लगा, सभी ने लिए भी, और जो मैंने सीखा थोड़ा बहुत उन लोगों को भी बता पाई, ये सब देख अच्छा फील हो रहा है। और इस बिजनेस के बारे में मुझे और ज्यादा कुछ जानकारी तो अभी है नहीं, इतना ही कहूंगी अलका जी से कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने बोला भी अच्छा बोला। और ऐसा होता है कि जब हम शुरुआती दौर में आते हैं हमारे पास बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन सामने शायद नहीं निकल कर आती हैं, तो ये होता है। और आपके भी मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं, अभी निकालना चाह रही हूँ लेकिन चाह कर निकल नहीं रही हैं, कोई बात नहीं, और एक दिन ये अपने आप सारी बातें निकलेंगी। और सबसे अच्छी बात ये है, शुक्रिया मैम आपका, आपने बोला इसी के लिए बहुत बहुत आपको शुक्रिया। और फील्ड में बोलना भी आएगा, जब हम फील्ड में कंटिन्यू निकलते रहेंगे तो बोलना भी हमें फील्ड से ही सीखने को मिलता है। और आज जो मीटिंग के माध्यम से हर किसी ने बोलना सीखा है, और बाकी के जो भी बहनें हमारी रह रही हैं, जो भी जेएमबीडी परिवार में जो भी व्यक्ति रह रहा है, तो वो हर कोई एक इस सिस्टम के माध्यम से हर इंसान बोलना सीखेगा।
और ये सिर्फ बोलने का ही तो बिजनेस है, बाकी करना ही क्या है, यहाँ पर सिर्फ बोलना है। तो बहुत अच्छी बात ये है कि यहाँ पर हमें जो बोलने का एक मौका हम सबको मिल रहा है सीखने के लिए। तो कहीं ना कहीं मेरे भी लाइफ में ऐसा था कि मैं भी नहीं बोल सकती थी, मैं भी नहीं बोल पाती थी, लेकिन आज सीखा और शुरू किया है बोलना। तो शायद जब शुरुआती दौर में मैंने शुरू किया था बोलना तब नहीं थी वो, और आज जो आज हूँ आने वाले समय में भी नहीं रहूंगी, क्योंकि जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा हम यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका भी, और आगे इसी क्रम में मैं मौका देना चाहूंगी दुष्यंत भाई जी को, ग्वालियर से हैं, और चाहूंगी सर आप भी अपनी बातों को रखें। और जो उद्घाटन मीटिंग में हम लोगों ने उद्घाटन मीटिंग की है, उनका वहां से क्या अनुभव रहा, कैसा लगा उनको, क्या सीखा उन्होंने, और आगे की क्या तैयारी है सर की, तो अपनी बातों को 5 मिनट में सर आप भी रखें। हेलो जी, आवाज आ रही है? हाँ सर, मैं दुष्यंत सिंह ग्वालियर से। सबसे पहले जेएमबीडी के जन्मदाता दद्दा जी को धन्यवाद कहूंगा, जो हम लोगों को इतना अच्छा सिस्टम दिया, और इसके बाद उन महागुरुओं का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हमको इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया। जेएमबीडी के सभी साथियों का धन्यवाद करूंगा, और पल पर सिखाने का मौका भी देते हैं, उन सभी बहनों को धन्यवाद। और जो बिजनेस में बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रही हैं बहन, उन लोगों का भी बहुत बड़ा धन्यवाद, और बढ़ चढ़ के हिस्सा जरूर ले रहे। और मैं अपने सिस्टम में हूँ, सिस्टम या चक्रू चला था महाभारत में, या चक्रू में अपने खुद अपने हिसाब से जैसा चला रहा हूँ, अपने सिस्टम के हिसाब से चला रहा हूँ, कैसे वो कवर कर रहा हूँ, कैसा चक्रू मेरे को अपना रचना चाहिए, वो उसमें मैं खराबी उतर रहा हूँ। एक दो मैंने चक्रू है कि भी है उसमें मैं अच्छा ग्रोथ किया है। चींटी पर चींटी भी पेड़ चढ़ती है और गिरती भी है, आने का चींटी चढ़ती है गिरती है, लेकिन इस सिस्टम में हमको चढ़ने में महागुरुओं का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हमारे फैलाए हुए हमको खींचने के लिए महागुरुओं का नीचे से बहुत बड़ा सपोर्ट है ऊपर उठाने के लिए, तो इसका तो कोई हिसाब नहीं है। शायद माइक अनम्यूट हो गया है आपका सर। हेलो जी, और मुकेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि वो हमारे उस्ताद हैं, जो उस्ताद होते हैं क्रिकेट के हों या अखाड़े के हों या क्रिकेट टीम के हों किसी भी क्षेत्र के हों, वो एक बेहतरीन उस्ताद है मेरे लिए। और उद्घाटन मीटिंग 13 तारीख को अलका जी के साथ पहुंचेंगे, और
मानपुर में भी सिस्टम चल रहा है और अभी दोस्तों एक बात और करूंगा मैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों अपनी जूम मीटिंग बहुत कम है, इस जूम मीटिंग को बहुत बड़ी तादाद में ले जाओ, क्षेत्र बहुत बड़ा है और लोग भी अपने पास जेम मीटिंग में लोग अपने पास बहुत है लेकिन जूम मीटिंग की संख्या बहुत कम है। अगर हम एक व्यक्ति को भी साथ में लेके आए, हम एक व्यक्ति को बताएं तो आज अगर 50 व्यक्ति हैं तो 50 अगर लोग लेके आएंगे तो 100 व्यक्ति होंगे और 50 जो नए आए वो लेके आएंगे तो 150 होंगे। तो जूम मीटिंग का योगदान बहुत जरूरी है, इस जूम मीटिंग को बहुत ग्रोथ करो क्योंकि जूम मीटिंग में देखा है कई लोगों को मैंने दिया है तो थोड़ा रिस्पॉन्स कम मिलता है। तुम्हारे पास 60 जूम मीटिंग मतलब वो 40, 60, 70, 80 मतलब 100 क्रॉस भी बहुत कम होती है। दादाजी के सामने हुई थी जो भी हुई थी लेकिन जूम मीटिंग में बहुत बड़ा योगदान करो। जो भी है तुम्हारे पास है, जो भी लीडर है तुम्हारे पास है, जो भी बंदे हैं तुम्हारे पास है, उनको सबको जूम मीटिंग में बिठाओ। जूम मीटिंग का मेरा यही कहना है दोस्तों और मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद जी एमबीडी। और बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और जैसे कि दीपा जी और दुष्यंत जी, और बहुत अच्छा एक ग्वालियर में भी माहौल बनने जा रहा है और काफी नए एरिए में सर के साथ मीटिंग भी हुई है, सर बता नहीं पाए हैं, तो काफी एरिए में भी नए नए एरिए में उद्घाटन मीटिंग हुई है और वहां पर भी रिजल्ट भी काफी अच्छे आ रहे हैं, माहौल भी काफी अच्छा बन रहा है। और अमित सर के द्वारा जो अभी डिपो का उद्घाटन होने जा रहा है कल, तो उसकी भी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है इन लोगों की, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही एक माहौल बनेगा और सिर्फ जब माहौल बन जाता है तो बहुत ही अच्छा फिर वहां से काम निकल कर आता है, तो हमेशा माहौल बनाने वाला ही काम किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और आज अमित सर के माध्यम से भी ग्वालियर में बहुत ही अच्छा एक माहौल बनने जा रहा है, तो एक सपोर्ट भी मिल रहा है कि अमित सर का भी सपोर्ट है और वहां से हर किसी का भी सपोर्ट है, रमेश सर का भी सपोर्ट है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और समय भी हो चुका है और सभी ने बहुत अच्छा बोला है, लेकिन मैं अब चाहूंगी कि मीटिंग को आगे की मीटिंग मुकेश सर अपनी रखें और मीटिंग का आगे विश्राम भी मुकेश सर ही करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने मुझे मौका दिया और हम सबको बोलने का एक मौका मिला, तो थैंक यू सर सभी को। शुक्रिया अलका जी, और सभी को भी बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ अपनी बातों को, सभी ने कम समय में और बहुत अच्छी तरीके से रखा। अलका जी ने शुरू में एक बात बोली थी कि मैं बचपन में टीचर बनना चाहती थी, तो अलका जी को कहना चाहता हूँ टीचर तो नहीं बन सकते आप, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोफेसर जरूर बन जाएंगे आप अगर इसी क्रम में आप लगातार चलते रहे। क्योंकि जब मैं पहली बार आपके पास गया था तो यहाँ साथियों एक मैसेज मैं आप सभी लोगों को देना चाह रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और ये फील्ड में हम जा करके इसको कई बार हम इसको गलत अनुभव में पेश कर देते हैं। जब मैं इनके पास पहली बार गया था तो मैंने जब इनको प्लान दिया था तो मेरे मन में एक चीज चल रहा था कि ये लेडीज नेटवर्किंग करेगी, पतली सी दुबली सी, हम इतने सारे प्रोडक्ट लेकर के जाते हैं, इतना वजन उठाना पड़ता है, इतना भागना पड़ता है, ये क्या करेगी। तो ये नेगेटिविटी वहां पे आई थी जो है। लेकिन जब अलका जी ने 2-4 दिन के अंदर जब बिजनेस को देखा, समझा, प्रोडक्ट लिया, फिर पैसा भी आया, इन्होंने लगातार मीटिंग को अटेंड करना भी शुरू किया, तो वहां से कुछ विचार बदले मेरे। मैंने कहा नहीं, ये विचार मेरा बिल्कुल गलत था और इस दुनिया में हमें कभी भी इंसान को शरीर से नहीं देखना चाहिए क्योंकि शरीर से देखने वाला मजदूर होता है,
मजदूरी शरीर के द्वारा काम करता है, लेकिन दिमाग से काम करने वाला सबसे आगे चला जाता है। और आज जितने भी लोग कामयाब हुए हैं वो अपने दिमाग के बलबूते पे हैं, ना कि शरीर के बलबूते पे। तो वहां से मैंने अपने कुछ ही दिनों के बाद अपनी सोच को बदला कि आज के बाद कोई सा भी इंसान को अगर मैं प्लान को रखता हूँ तो मेरे मन में 1% भी ये भाव नहीं आएगा कि ये कर सकता है नहीं कर सकता है, ये गोरा है काला है, पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, बिल्कुल भी नहीं। कब किसके जीवन में क्या परिवर्तन आ जाए दोस्तों तो मालूम नहीं है। तो जब भी आप प्लान देने जाएं तो कभी भी अपने मन में इन विचार को ना रखें, क्योंकि हम जिस कल्चर में रहते हैं उस कल्चर में आदमी की सोच इसी प्रकार से बन जाती है। वहां हर किसी को सबसे पहले नेगेटिव भाव से देखा जाता है, फिर पॉजिटिव तो बाद में आते हैं जब वो व्यक्ति कुछ करना शुरू करता है। लेकिन जिंदगी में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपका आपके माइंड में नेगेटिव विचार आने ही नहीं चाहिए किसी के प्रति। तो अलका जी को यही कहना चाहूंगा, अलका जी टीचर तो नहीं बनेंगे, हाँ लेकिन प्रोफेसर जरूर बन जाएंगे। और अभी जब मैं लास्ट टाइम अलका जी के साथ उनके घर गया था दो महीने तीन महीने पहले करीब, तो उनके पिताजी ने मुझे एक बात बोली थी कि सर अलका जी काम तो बहुत समय से कर रही है लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है। तो मैंने उनके सामने एक ही बात कही थी, सर वक्त वक्त की बात है और उतार चढ़ाव बिजनेस का एक पार्ट है, लेकिन दिखेगा, बहुत जल्दी दिखेगा, अब वो समय ज्यादा दूर नहीं है जो दिखने का नहीं है। तो और आज उनके पिताजी को भी जानकारी मिल गई होगी और मुझे 100% यकीन है बड़े खुश हुए होंगे। जैसे आज अलका जी के घर में सब लोग, उनके हस्बैंड भी, उनके बच्चे भी बहुत खुश हैं, तो आज उनके पिताजी भी बहुत खुश होंगे। क्या जो कुछ कुछ समय से मैं लगातार सोचा करता था कि मेरी बेटी भाग तो रही है लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब वो दिखने का दिन जो है शुरू हो चुका है। तो दोस्तों कुछ चीजें मैं आप लोगों के सामने 2-3 मिनट में रखना चाहता हूँ क्योंकि समय भी हो चुका है। बाहर जो होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम अंदर क्या सोचते हैं वो इम्पोर्टेंट है। अभी जब हम फील्ड में जाते हैं हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, अगर लोग हमें हमारे विचार वाले मिले तो हम तो हमेशा पॉजिटिव बने रहेंगे, लेकिन अगर हमारी सोच नेगेटिव है और हमें नेगेटिव विचार वाले लोग मिले तो हमारी हम फिर भी उसमें खुश रहेंगे कि चलो ये भी मेरी हाँ में हाँ मिला रहा है। प्रॉब्लम जब क्रिएट होती है आप पॉजिटिव हो और आपको नेगेटिव वाला मिले, या आप नेगेटिव हो और आपको पॉजिटिव वाला मिले, तब वहां परेशानी शुरू होती है और यही उथल पुथल शुरू होती है कि हम किस चीज को कर सकते हैं और किस चीज को नहीं। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं और आप पॉजिटिव हैं और आपको फील्ड में जाते हुए नेगेटिव लोग मिलते हैं, तो आपको सबसे पहले घर आकर के ये मंथन करना पड़ेगा कि वो व्यक्ति नेगेटिव है तो मुझे उससे सीखना क्या है। जब आप इन चीजों को लेकर के चलेंगे कि उसने ऐसे ऐसे विचार रखे हैं, मुझे उनकी बातों से नेगेटिव नहीं होना है, उनकी बातों को जान करके मुझे उससे सीखना है कि मैं इसके आगे और ऐसा क्या काम करूं कि उस नेगेटिव पर्सन को भी मैं पॉजिटिव में लेकर के आऊं। यहाँ आपकी लर्निंग शुरू होती है। हमने लर्निंग क्या ली जब किसी ने हमें मना कर दिया, और जब हम लर्निंग लेंगे जब भी हमारी वहां से ग्रो होनी शुरू होती है। हम माइंड को चला रहे हैं या माइंड हमें चला रहा है, ये सोचना बहुत जरूरी है। जब हम ग्रो करते हैं तो हम माइंड को चलाना शुरू कर देते हैं। ग्रो का मतलब है कि आप इस बिजनेस में प्रतिदिन कितना सीख रहे हो, अपने आप को कितना काबिल बना रहे हो। अगर आप सीखने की तरफ बिल्कुल भी फोकस नहीं करोगे और दिन भर आप फील्ड में भागते रहोगे, जो बिजनेस की बारीकियां, अगर आपकी वीकली मीटिंग नहीं हो रही है तो आप इस सिस्टम में कब तक भागोगे। आपको आपकी गलतियों का समाधान तो मिल ही नहीं रहा है, आप केवल भागे जा रहे हो और गलतियों का भंडार आपके दिमाग में बढ़ता चला जा रहा है। और जब आप अपने अपलाइन के साथ बैठ करके उन गलतियों को नहीं हटाओगे तो एक दिन आप पूरे भर जाओगे, और जब आप भरते चले जाओगे गलतियों से तो आप इस सिस्टम में खत्म हो जाओगे। तो आपकी हमेशा जो है काउंसलिंग, आपकी हमेशा मीटिंग, आपका हमेशा डिस्कशन, आपकी अपलाइन के साथ एक ग्रुप मीटिंग में भी होना चाहिए, पर्सनल भी होते रहना चाहिए। लोग क्या सोचते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हम क्या सोचते हैं ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिंदगी हमारी है, लोगों की नहीं है, और हम लोगों की सोच के अनुसार अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर देते हैं। तो सोचे केवल अपनी सोच के अनुसार। कई लोग सोचते हैं कि सही वक्त आए तब बिजनेस को शुरू करेंगे, जब हम किसी को प्लान देने जाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स सही वक्त आता नहीं है। डिसीजन लें
और वक्त का सही कर दें, किसी भी काम का डिसीजन लें और वक्त के अनुसार उसे सही करके दिखा दें, तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान आपके सामने हो जाएगा। कि लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में आप नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपने उसको सही डिसीजन लेकर के और उसको सही करके दिखा दिया। पहले जब आप फील्ड में जाएंगे तो लोग आपसे खेलेंगे। अब लोग खेलना क्यों शुरू करते हैं? क्योंकि आपको आता नहीं है, आप अपने अपलाइन के टच में नहीं रहते हैं, आपके पास कोई सवाल जवाब नहीं होता है। जब आप फील्ड में निकलते हैं, लोग आपसे सवाल करना शुरू करते हैं, तो आप हिलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जवाब तो है नहीं। यानी लोग आपसे खेलना शुरू करते हैं। ये बिजनेस में कुछ नहीं होता है, ये फालतू के बिजनेस है, मैंने करके छोड़ दिया, प्रोडक्ट महंगे हैं, कंपनी भाग गई तो सामान मैं इतनी दूर से कहाँ से लेने जाऊंगा, ये आइटम तो मुझे इतने में मिलता है, आपके यहाँ तो इतने में मिल रहा है, विभिन्न प्रकार के सवाल। ये खेलना हो गया लोगों का आपके साथ जो है। लेकिन जब आप ग्रो करना शुरू करते हैं, जब आप सीखना शुरू करते हैं, तो आप लोगों से खेलना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए अपने लाइफ में हमेशा ग्रो करो आप जो है। एक उदाहरण दे के समझाना चाहूंगा आप लोगों को, जानकारी देना चाहूंगा। जब आप तैरने जाते हैं तो पानी आपके साथ खेलता है, क्योंकि शुरू शुरू में आपको तैरना नहीं आता है, आप कभी सीधी छलांग मारेंगे, कभी उल्टी मारेंगे, कभी इधर मारेंगे, तो आप डूबना शुरू कर देंगे और पानी आपके साथ खेलना शुरू कर देगा। लेकिन जब आप तैरना सीख जाएंगे तो आप पानी के साथ खेलना शुरू कर देंगे। तो इस बिजनेस में भी अगर आपको तैरना है, नदी पार करनी है, कामयाबी रूपी मंजिल पे आपको पहुंचना है, तो तैरना आपको सीखना पड़ेगा। और सीखते सीखते आज अलका जी रॉयल्टी अचीवर बन गई हैं, और सीखते सीखते अलका जी एक दिन टेक्निकल भी बनेंगे और एक दिन डायमंड भी बनेंगे। तो अपने शब्दों को मैं यही विराम देता हूँ, और अंत में उन सभी लीडरों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अलका जी को आज रॉयल्टी अचीवर बनाया, और उन सब ने भी अपना अपना कोई ना कोई लेवल जो अचीव किया है। और इस सिस्टम में आज जो सभी साथी सुन रहे हैं, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बड़े ध्यान पूर्वक इस आज की मीटिंग को सुना। दद्दा जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस सिस्टम का निर्माण किया, और दद्दा जी को फिर दोबारा नए साल की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और ओम सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो लगातार हम लोगों के साथ टच में रहते हैं, और सर को भी नया साल की मुबारकबाद। पंकज सर, रमेश सर, आप लोगों को भी नए साल की मुबारकबाद। अवतार सर, अमित सर, सभी लोगों को जितने भी हैं, उन सबको नए साल की मुबारकबाद। धन्यवाद आप सभी का।